हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैट एंड WTO। गैट यानी जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। पहला जो डिफरेंस है वो मीनिंग से रिलेटेड है। गैट कैन बी डिस्क्राइब अ सेट ऑफ रूल्स मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट दैट केम इन टू फोर्स टू इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिमूव क्रॉस कंट्री ट्रेड बैरियर्स। गैट जो वर्क करता था वो क्या करता था, बहुत सारे रूल्स बनाता था, बहुत सारे ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट करवाता था, जिससे कि लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से बिजनेस कर सकते थे बिना किसी बैरियर के साथ। WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट केम इन टू एग्जिस्टेंस टू ओवरसी एंड लिबरलाइज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। लेकिन जो आया था WTO आया था, उसका मेनली वर्क क्या था, जो एक या एक से ज़्यादा कंट्री में ट्रेड करवाना, और बिल्कुल लिबरलाइज तरीके से, और ओवरसीज में भी ट्रेड कराना। तो ये बेसिकली क्या था, WTO का वर्क था। नेक्स्ट जो है वो आपका है इंस्टीट्यूशन। इट डज नॉट हैव एनी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस बट हैव अ स्मॉल सेक्रेटरियट। जो गैट था उसका कोई भी इंस्टीट्यूशनल एग्जिस्टेंस नहीं था। इट हैज़ परमानेंट इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद अ सेक्रेटरियट। इसके पास एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन भी था और इसके पास बहुत ही बड़ा एक सेक्रेटरियट भी था। पार्टिसिपेंट नेशन, इसमें क्या थे, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पार्टिसिपेट कर सकते थे, इसमें क्या थे, उसके मेंबर्स थे। कमिटमेंट्स प्रोविजनल थे और इसके फुल एंड परमानेंट होते थे, मतलब ये पूरा काम अच्छे से करता था। नेक्स्ट जो है वो है आपका एप्लीकेशन। द रूल्स ऑफ गैट आर ओनली ट्रेड इन गुड्स। जो गैट था वो केवल गुड्स के साथ ट्रेड करता था, ठीक है। द रूल्स ऑफ WTO इंक्लूड सर्विसेज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद गुड्स। यहाँ गुड्स भी होगा, ये गुड्स के साथ साथ क्या करता था, सर्विसेज में भी ट्रेड कराता था और उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था। नेक्स्ट जो है वो है आपका एग्रीमेंट। इट्स एग्रीमेंट आर ओरिजिनली मल्टीलेटरल बट प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट आर एडेड टू इट लेटर। इसके जो एग्रीमेंट्स थे वो पूरी तरीके से मल्टीलेटरल थे, लेकिन जो प्लूरीलेटरल थे वो बाद में ऐड कर दिए गए थे। इट्स एग्रीमेंट आर प्योरली मल्टीलेटरल, लेकिन इसके जो थे वो पूरी तरीके से मल्टीलेटरल थे WTO के। डोमेस्टिक लेजिस्लेशन अलाउड टू कंटिन्यू। यहाँ पे जो डोमेस्टिक के लोग थे उनको अलाउ था, लेकिन इसमें जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन था उन लोगों को अलाउड नहीं था। और जो हमारा लास्ट डिफरेंस है वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। ये जो भी प्रॉब्लम, अगर किसी मान लीजिए ट्रेड में ट्रेड करने के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो उसको कैसे सॉल्व करता था, इसका जो वो बहुत ही था वो बहुत ही धीरे धीरे और बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता था। लेकिन जो WTO, वो अगर किसी भी ट्रेड करने में कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो उसको बहुत तेज़ी से और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर देता है। होप आपको ये डिफरेंस बिटवीन समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।